गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पार्ट वन प्रार्थना का भावार्थ समझेंगे। तो इस प्रार्थना का अर्थ है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे हृदय को विकसित करें, उसे पाप रहित बनाएं। आगे वे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे हृदय को स्वच्छ और निर्मल बनाएं, मुझे जागृत करें कि मैं धर्म के पथ पर चल सकूं और अधर्म और अन्याय का विरोध कर सकूं, मुझे आशीष दें कि मैं आलस्य का त्याग कर परिश्रमी बनूं, मुझे आप साहसी और निर्भय बनाएं ताकि जुर्मों के विरुद्ध मैं लड़ सकूं, आप मेरा कल्याण करें, मेरे अंदर के आलस्य को दूर भगाएं, मुझे भ्रम रहित बनाएं। कवि आगे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप मुझे सद्बुद्धि दें ताकि मैं सभी अंधविश्वास और कुरीतियों के बंधन से मुक्त रह सकूं, हमेशा कर्म पथ पर अग्रसर रखो, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा मन पूरी तरह से शांत होकर मेरे नियंत्रण में रहे, मेरा हृदय हमेशा आपके शरण कमलों में लगा रहे और सदा प्रसन्न रहे। तो ये था बच्चों इस पाठ का अर्थ, आप इसे अपने कॉपी में लिख लें और याद कर लें।